हाय गाइस, दिस इज अ नाइस बैग. शाइन बहुत अच्छा लग रहा है. कलर मेरे पास नहीं था. लुक्स वेरी प्रिटी. इट्स अ कर्व शेप्ड स्लिंग बैग, अ बकेट हैंड बैग. ब्लैक कलर का बैग है विद व्हाइट फ्लावर्स. ओवरऑल लुक ऑफ दिस बैग. हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज कोमल. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो आज होने वाला एक बैग्स हॉल फ्रॉम मीशो. सो मैंने कुछ 10 बैग्स ऑर्डर करे हैं मीशो से, जिनकी अनबॉक्सिंग मैं इसी वीडियो में करने वाली हूँ एंड रिव्यू भी दे दूंगी कि कैसे आए हैं ये बैग्स. सो वीडियो एंड तक देख लेना. बट उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बैग. सीजर है मेरे पास, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द बैग. सो दिस इज द फर्स्ट बैग एंड ये वाइट कलर का बैग है. इसमें एक स्लिंग भी दिया हुआ है, दिस वन. एंड इसको आप ऐसे भी कैरी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. एक्चुअली देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर जब मैंने ओपन किया तो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है. एक बार इसकी जिप देख लेते हैं. सो ओके, स्पेशियस तो है काफ़ी ज़्यादा एंड बट जो उसका ओवरऑल लुक है ना, वो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया. इट्स एन ओके ओके बैग फॉर मी, ठीक है. एंड इसका जो प्राइस है, जिस प्राइस पे मैंने ऑर्डर किया था वो मैं आपको बता दूंगी. बैग्स जितने भी हैं वो सारे अंडर 600 रुपीज़ ही हैं, तो मेंशन भी कर दूंगी जो अभी करंट प्राइस चल रहा है पर्टिकुलर बैग का, ठीक है. सो इसका प्राइस है रुपीज़ 181 जिस पे मैंने ऑर्डर किया है. सो बट मैं कहूँगी कि आप इसे स्किप कर सकते हो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया ये बैग. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड बैग एंड सो आई थिंक ये अच्छा होना चाहिए. ओके, लुक एट द बैग एंड दिस इज अ नाइस बैग. थैंक गॉड, मतलब पहला प्रोडक्ट खुल के मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही आ गया है. आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट. बट ये जो सेकेंड बैग आया है दैट इज़ वेरी प्रिटी. इसमें प्रॉपर टैग वगैरह लग के आया है एंड इस आई थिंक ये कोई ब्रांड है, मैग्निफिक. सो ये मैंने न्यूड कलर में ऑर्डर किया है. अ वेरी प्रिटी कलर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और भी कलर्स अवेलेबल थे इसमें, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. काफ़ी सारे कलर्स थे एंड देन आप इसे ऐसे भी कैरी कर सकते हो एंड इसमें देयर मस्ट बी अ स्लिंग इनसाइड. सो येस देयर इज. सो दिस इज अ स्लिंग, तो आप इसे यहाँ पे अटैच कर सकते हो तो एक स्लिंग बैग भी बन जाएगा. एंड अगर आप इसे एक नॉर्मली बिना स्लिंग के कैरी करना चाहते हो तो वैसे भी कैरी कर सकते हो. एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये बैग. 390 के आसपास मैंने परचेज किया था. करंट प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा. मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये. एंड इसकी अगर मैं ना स्पेस की बात करूँ तो सो लुक एट द स्पेस यू आर गेटिंग. काफ़ी स्पेस तो मतलब काफ़ी अच्छा है. एंड अब इसका लुक देख लेते हैं. इसमें ना अंदर एक जिप भी दिया हुआ है, एक छोटा सा जिप है इसके अंदर. सो आप उसमें अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना हो तो आप वो भी रख सकते हो, लाइक कॉइन्स एंड ऑल. सो वो भी अच्छा है. जिप की क्वालिटी भी अच्छी है. ओवरऑल द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. मतलब आई थिंक 390 के आसपास अगर आपको एक बैग मिल रहा है तो मतलब इस टाइप का बैग तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो दिस आई विल रिकमेंड यू गाइस, आप ये परचेज कर सकते हो. कमिंग ऑन टू द थर्ड बैग, लेट्स ओपन दिस ऑल्सो. सो दिस इज द बैग. इट्स अ स्लिंग बैग एंड आई थिंक इसमें एक पाउच भी है. तो मुझे ये बैग भी काफ़ी टाइम से ऑर्डर करना था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये. लुक एट द बैग, इट इज़ प्रीटी नाइस. द क्वालिटी इज़ नाइस. ब्राउन शेड में है, ब्राउन एंड ब्लैक शेड में. इसमें भी और शेड्स थे अवेलेबल, तो आप वो भी देख सकते हो. एक पाउच भी मिल जाएगा आपको. सो ये पाउच बेसिकली इस तरह से अटैच्ड है, आप इसे निकाल भी सकते हो एंड इसे अगर आप लगाना चाहते हो तो यू कैन अटैच इट ऑल्सो एज पर योर चॉइस. बट ओवरऑल आई एम लाइकिंग दिस बैग. इसमें पीछे एक जिप भी दिया हुआ है. द क्वालिटी इज़ नाइस छोटा मोटा सामान रखने के लिए. देन उसके बाद आपको इसमें दो जिप मिल जाएंगी. सो फर्स्ट जिप एंड सेकेंड जिप की क्वालिटी अच्छी है एंड स्पेस भी आपको इनफ मिल जाएगा. स्पेस भी काफ़ी अच्छा है. सो ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस. द स्ट्रैप इज़ ऑल्सो लुकिंग नाइस. सो अगर आप इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ कैरी करना चाहते हो सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. वहाँ पे लिखा हुआ है एंजल क्वीन. सो वो 246 में मैंने ये परचेज़ किया था. सो आई थिंक 246 के हिसाब से बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप डेफिनेटली इसे चेक कर सकते हो.
Let's check the fourth bag now. And it's a black color bag. So let me just open this. It's a pretty nice bag. It's a normal sa ye bag hai, black color mein. And iska shine bahut acha lag raha hai, aap dekh sakte ho. So isme sirf ek hi zip hai. And zip ki quality is good actually. So it's nice. I'll show you the space inside this. So see this much space you are getting. It is looking nice. मुझे अच्छा लग रहा है ये bag and मुझे इस type का एक black bag चाहिए था, एक plain black जिसमें ज़्यादा कुछ like ज़्यादा zips ना हो. And this is the overall look. Like अगर आप इसे carry करोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एंड जिस प्राइस पे मुझे मिला है दैट इज़ अमेजिंग. सो ये सिर्फ मुझे ₹139 में रिसीव हुआ है. एंड आई थिंक 139 में इट्स नॉट अ बैड डील, इट्स अ वेरी वेरी गुड डील. अगर आपको इस टाइप का कुछ बैग परचेज करना है आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो. लेट्स ओपन द फिफ्थ बैग नाउ. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको इस टाइप की अनबॉक्सिंग वीडियो ज़्यादा पसंद है जो मैं आपके सामने लाइक पैकेजेस खोल कर इंदर आपको दिखाऊँ. और इफ़ यू वॉन्ट कि लाइक नॉर्मल मैं पहले से इन्हें ओपन करके रख लूँ एंड देन आपको फिर मैं दिखाऊँ. दिस इज़ अ लैवेंडर कलर का बैग. तो मुझे ना मेरे पास ऐसा कुछ कलर नहीं था सो उसी वजह से मैंने ये परचेज़ किया है. एंड इसमें भी यू विल गेट अ लॉट ऑफ कलर्स. इसमें ब्लैक वगैरह भी था, पिंक भी था, ब्राउन भी था. सो ब्लैक क्योंकि ऑलरेडी मैं इस हॉल के लिए दो मंगा चुकी हूँ, एक मैंने दिखा दिया एंड एक और है मेरे पास. एंड ब्लैक मेरे पास एक और भी पड़ा हुआ है पहले से तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो जाता. बट इसमें भी जो ब्लैक था वो अच्छा लग रहा था तो आप चेक कर सकते हो. बट ये कलर मेरे पास नहीं था, मैंने इस वजह से ये मंगाया है. सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. अगर आपको इस टाइप के कलर्स पसंद है तो आप डेफिनेटली इस वाले कलर को स्पेसिफिकली चेक कर सकते हो इस बैग में. एंड इसमें एक ही जिप है सो जिप की क्वालिटी इज़ गुड, अच्छी है. या इट्स नाइस. एंड अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ओके, स्पेस भी काफ़ी है, आपके काफ़ी सारा सामान आ जाएगा. प्लस इसमें ना आपको अंदर एक और जिप मिल जाएगी साइड में. सो मतलब ये रही. सो इसमें भी आपका छोटा मोटा सामान आराम से आ जाएगा, लाइक योर कार्ड्स और कॉइन्स जो भी आप रखना चाहते हो. तो उस हिसाब से अच्छा है क्योंकि वैसे तो ये ठीक बैग है बट अगर मैं इसका प्राइस बताऊंगी तो उस अकॉर्डिंग ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो आई गॉट दिस एट ₹281. सो आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से बैग इज़ नाइस. आप एक बार ज़रूर से चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो. सो वी आर ऑन आवर सिक्स्थ बैग एंड आई नो मुझे छू के पता चल रहा है कि ये कौन सा बैग है. लेट मी जस्ट ओपन दिस. सो इस टाइप के बैग्स ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं एंड मैं बहुत टाइम से मंगाने का सोच रही थी. फाइनली आई परचेज दिस वन. सो दिस इज़ द बैग. आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा बैग है. दिस इज़ अ वाइट पर्ल बैग एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी अगर आप इसे देखो. सो इसमें आपको ना सिर्फ एक लाइक इस टाइप से एक बटन मिल जाएगा तो आप इसे लॉक कर सकते हो इजीली. एंड सामान मुझे नहीं लगता कि अगर ज़्यादा पूरा ऐसे करोगे तो ही गिरेगा, ऐसा नॉर्मली सामान नहीं गिरेगा. तो अच्छा है, द क्वालिटी इज़ नाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. ओवरऑल स्पेस अच्छा है. लाइक अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं है तो आपका फ़ोन आराम से आ सकता है. लाइक छोटा मोटा सामान ईजिली आ जाएगा. हाँ लाइक आई डोंट थिंक कॉइन्स वगैरह मैं रख सकती हूँ. मे बी सम मनी और सम ऑफ माई लिपस्टिक्स एंड ऑल और मेरा लाइक फ़ोन भी आ सकता है बहुत ईजिली. सो उतना सामान आप कैरी कर सकते हो. सो इस टाइप के बैग्स ना आप काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हो, लाइक वेस्टर्न वेयर आउटफिट्स और इंडियन आउटफिट्स जब भी आप किसी ओकेजन पे जा रहे हो. सो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा ये बैग. थोड़ा हैवी है बिकॉज ऑफ द पर्ल्स बट इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड द प्राइज इज़ ₹400. सो आई थिंक जिस प्राइस पर आपको मिल रहा है इट इज़ अ गुड डील, आई थिंक सो. सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. नाउ नेक्स्ट बैग इज द ओके, आई थिंक 6 बैग्स हो गए हैं सो ये 7th बैग. लेट्स ओपन दिस वन ऑल्सो. सो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने 2 बैग्स मंगाए हैं ब्लैक कलर में. सो दिस इज द सेकेंड वन.
So this is the bag and it looks very pretty. It's a curve shaped sling bag और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. लाइक इस टाइप का बैग आई थिंक कुछ नया स्टाइल है. सो आई एम लाइकिंग दिस वन. एंड सो आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हो. दिस वन एंड इट्स अ स्लिंग बैग ओनली. लेट्स सी अगर इसमें ओ या सो इसमें सो दिस इज द स्लिंग दैट यू आर गेटिंग. एंड इट्स अ नाइस स्ट्रैप. क्वालिटी अच्छी है. आप इसे इजीली यहाँ से अटैच कर सकते हो. सो आप इसे एक स्लिंग बैग भी बना सकते हो इस तरह से. बट आई थिंक आप इसे एज अ शोल्डर बैग भी कैरी कर सकते हो. ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें भी. सो इट्स अ वेरी नाइस बैग. इसका भी प्राइस कुछ 400 के आसपास ही था. एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. सो इसे भी चेक कर सकते हो. लेट्स ओपन द 8 बैग नाउ. काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स आया है. ओके सो दिस इज द बकेट बैग. इट सीम्स यस. कैन यू सी इट लुक्स सो प्रिटी. लेट्स ओपन दिस. सो दिस इज द बैग. इट्स अ बकेट हैंड बैग. एंड इसमें भी ना और भी कलर्स और लाइक पैटर्न्स अवेलेबल थे. आई लाइक दिस वन एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी. सो आई थिंक जितने भी इंडियन आउटफिट्स होते हैं लाइक आप कुर्तीज वगैरह पहनते हो एंड सूट्स वगैरह उनके साथ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है. दिस इज़ गोइंग टू लुक वेरी नाइस. सो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है. एंड या सो दिस इज़ हाउ इट ओपन्स लाइक दिस. एंड इसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस एक्चुअली. सो आप काफ़ी सारा सामान इसमें रख सकते हो. तो काफ़ी यूनिक सा बैग है एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो आप डेफिनेटली इसे चेक कर सकते हो. एंड जिस प्राइस पे मैंने परचेज किया है दैट इज़ ₹366. तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 बैग्स एंड वो एक ही पैकेट में आए हैं. सो लेट्स ओपन दीज. सो दीज आर द लास्ट 2 बैग्स. लेट्स ओपन दिस फर्स्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ स्लिंग बैग. सो दिस इज अ क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग. एंड ये कुछ इस टाइप से है. ब्लैक कलर का बैग है विद वाइट फ्लावर्स. एंड द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. प्लास्टिक है बट इट इज़ नाइस क्वालिटी. एंड इसमें ये इसका स्ट्रैप आया हुआ है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस. सो स्ट्रैप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड इसमें कुछ लिखा हुआ है. इट सेज फॉर एवर यंग. सो इसे आप इसमें आराम से अटैच कर सकते हो. यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं. ओके सो दिस वे यू कैन अटैच इट. सो आई गॉट इट फॉर ₹284 एंड इस प्राइस पे ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो आप इसे डेफिनेटली चेक कर सकते हो. सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बैग. लेट्स ओपन दिस ऑल्सो. एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पैक होके आया है ये बैग. एंड दिस इज़ द बैग गाइज. इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी. दिस इज़ द राइन स्टोन डेकोर स्क्वायर बैग विथ कॉइन पर्स. दैट इज़ द फुल नेम ऑफ दिस बैग. ये सिल्वर कलर में है. सो इसमें आपको एक ब्लैक में भी मिल जाएगा. वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था. लेट्स ओपन दिस. चेन की क्वालिटी इज़ गुड एक्चुअली. एंड इसमें आपको विल गेट अ स्ट्रैप. सो दिस इज़ द स्ट्रैप एंड दिस इज़ द कॉइन पर्स जो मैंशन है इसके नाम में भी. सो इसे आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हो. लेट्स यहाँ पे करके देखते हैं. ओके सो दिस विल लुक लाइक दिस. काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है इसका लुक. इसमें अंदर एक जिप भी दिया हुआ है छोटू सा. सो उसमें भी अपना सामान रख सकते हो. बहुत छोटा जिप भी नहीं है. लाइक काफ़ी स्पेस है उसमें भी. एंड ओवरऑल स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड यहाँ पे भी कुछ एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है. सो सेक्शन वाइज भी अच्छा है ये. नाउ लेट्स अटैच द स्ट्रैप एंड सी द ओवरऑल लुक ऑफ दिस बैग. This is the overall look of this bag with the like strap and the coin purse. So इसे आप कहीं भी attach कर सकते हो as per your like preference. यहाँ पर भी आप लगा सकते हो. plus आप इसे chain में भी attach कर सकते हो यहाँ पर. So हर जगह अच्छा लगेगा. बैग बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइज. सो इसका प्राइस था ₹521. सबसे महंगा बैग था ये इस पूरे हॉल का. बट इस प्राइस पे ये बैग बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो. सो आई थिंक हॉल की स्टार्टिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी. बट एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है इस बैग से. सो बस यही बैग एक था जो ज़्यादा अच्छा नहीं आया था. बाकी सारे बैग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. आप उनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो.
एंड या दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँ. एंड आई विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.